Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel, Divinity Tarot, Sex by Truth, Always Exposes Darkness, guys. तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो इस तरह से है कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा शुभ घटनाएं क्या हो सकती है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. ये एक मैपल लीफ है, मैंने आपको पहले भी बताया है और मैपल लीफ मैंने ड्रॉ भी किया था स्केच पे. अगर कोई न्यू व्यूअर्स है सो मैपल लीफ जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है वेस्टर्न कल्चर में भी, क्योंकि मैपल का जो फ्रूट है, फल है, उससे जो जूस निकलते हैं इट इज़ यूज फॉर यू कैन से जो लो कैलोरी डाइट में है, जिनको शुगर नहीं खाना है, जिनको डायबिटीज़ है, वो इस तरह से ले सकते हैं मैपल सिरप. काफ़ी एक्सपेंसिव है बट इन इंडिया इट इज़ ऑफन फाउंड ऑल्सो थ्रू ऑनलाइन यू कैन परचेज. दूसरा चीज़ है कि मैपल जो है इसकी जो पत्ते का जो रंग है वो बदलते रहता है एज पर द सीजन्स. सो यही हमें सिखाते हैं कि हमें एज पर द सीजन्स हमारे जिस तरह से ज़िंदगी चलते हैं उसी तरह से हमें वहाँ पर एडजस्ट कर लेने चाहिए. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. काफ़ी खूबसूरत होता है दिखने में, ठीक है, एंड इट्स वेरी ऑस्पिशियस, बहुत ज़्यादा शुभ भी होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट गाइज. मैंने एक स्केच भी किया था आज, तो यहाँ पे ग्लास लेप प्लेट है, तो चलो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन. कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में किस तरह से शुभ घटनाएं हो सकती है, व्हाट आर द ऑस्पिशियस इवेंट्स दैट डेफिनेटली विल कम इन देयर लाइफ. सो यूनिवर्स प्लीज, स्पिरिट्स प्लीज कम एंड हेल्प मी प्लीज. थोड़ा सा समय दे दीजिए यहाँ पे. आपको नहीं लगना चाहिए कि वीडियो म्यूट है या कुछ, थोड़ा सा समय मुझे दीजिए फोकस करने के लिए. पक्षी बन गया यहाँ पे, देखो इफ यू फोकस दिस इज अ बर्ड. ट्विटर में किसी का अकाउंट्स है यहाँ पे, या मे बी आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो आजकल, बहुत ज़्यादा बिजी हो, बात कर रहे हो किसी के साथ और कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो चुका है पहले से ज़्यादा. आप कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हो चुके हो. आने वाले समय में आपकी ये कम्युनिकेशन जो स्किल है, आप बातचीत जो करोगे, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन हो, सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा. लोगों तक मैसेज पहुंचेगा एंड मे बी आप कुछ किसी को अगर बहुत अच्छा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को अवेयर करना चाहते हैं, किसी को कुछ आप लेक्चर देना चाहते हैं, ठीक है, कुछ समझाना चाहते हैं, यू वांट टू डेमोन्स्ट्रेट, अगर आप इन फ्यूचर टीचर बनना चाहते हैं, रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, सो आई डू फाइंड लाइक दैट कम्युनिकेशन जॉब विल बी द बेस्ट फॉर यू. जिस फील्ड में भी कम्युनिकेशन इज़ द मेन थिंग. अगर कस्टमर्स को कन्विंस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. यहाँ पे यू लेटर, सी लेटर, एच एंड आई इज वेरी इम्पोर्टेंट. बार बार मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक थ्री ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, कि जहाँ पे एक बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन तभी हो सकता है जब उसमें पैसा लगाया जाए, उसमें मनी फंड रिसोर्सेस हो, उसमें एम्प्लॉयज हो, वर्कर्स हो, समय हो किसी के पास वो चीज़ कंप्लीट करने का, और डेफिनेटली उसको करने के लिए जो स्टैमिना कॉन्फिडेंस चाहिए वो होने चाहिए. सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद भी अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ नहीं हो रहा है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, प्रोग्रेस इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है, आप उसका फल स्वरूप आप देखोगे बहुत जल्द से जल्द. देखोगे वो प्रोजेक्ट जो इनकम्प्लीट था
कहीं ना कहीं पे वो कंप्लीशन के कगार पे ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप बहुत पहले कुछ किसी को दिए थे राइट, कुछ करने के लिए, लेकिन वो इनकम्प्लीट रह गया, या आपकी पेपर वर्क बाकी था, या कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, सो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। शायद उनका भी ऐसा हो सकता है, उनका एनर्जी भी आ जाता है आपके घर परिवार में। सो कुछ ना कुछ ऐसा मिसिंग एलिमेंट फिर से रीस्टोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो चीजें कंप्लीट होगी। आई डू फाइंड लाइक दैट कंप्लीशन। सो आई डू फाइंड यू विल रिसीव अ टेक्स्ट और एन इम्पॉर्टेंट मेल, जो जब आप इस मेल को खोलेंगे सो डेफिनेटली दैट इट विल रिक्वायर पासवर्ड्स, ठीक है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड मेल होगा वो, एंड जब आप उसको खोलेंगे तब आप आश्चर्यचकित जरूर होंगे, बिकॉज इट विल कंटेन अ सरप्राइजिंग इवेंट। मे बी पॉजिटिव बट नेगेटिव भी हो सकता है, बट आई डू फाइंड उस मेल को रिसीव करने के बाद जैसे आपकी जो मतलब स्टैमिना कॉन्फिडेंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट आपकी एक न्यू पर्सपेक्टिव होगा, मतलब एक नई सोच जो जैसे दुनिया को बदल दे, उस तरह की सोच आप रखेंगे। यहाँ पे मुझे एम लेटर, यहाँ पे एम दिखाई दे रहा है। सो मे बी मे महीने में, ओके द मंथ ऑफ मे, कहीं पे भी देखो, कभी भी देखो, ठीक है, मे महीना आपके लिए हो सकता है, या मंडे यू रिसीव द मेल। ओके पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि लाइक दैट दैट हो सकता है कि द स्टार्टिंग डे ऑफ द वीक कभी भी हो सकता है कि यू नीड टू विजिट सम पर्सन, ठीक है, एंड वो इंसान शायद आपको मिलने के लिए तभी डेट दे रहा है और आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। मे बी वो ऑफिस में भी आपको जाना है, उस इंसान को भी मिलना है। आई डू फाइंड द टेम्परेंस कार्ड ओवर हियर, जैसे बैलेंस, जैसे मतलब सिम्फनी, एसोसिएशन, इक्वालिटी, इस तरह से चीज़ जो शायद आपको लगा था कि ये सारी चीज़ तो आजकल दुनिया में ख़त्म हो रहे हैं, लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, ना ही अपने विचार को ठीक है सही तरह से रख पाते हैं, या अपने टेम्पटेशंस को ठीक है वासना और कामना को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो बैलेंस आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में एटलीस्ट इट इज़ गोइंग टू बी रिस्टोर्ड। यहाँ पे मुझे कुछ ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि इन फ्यूचर, मतलब आने वाले समय में, इन द नियर फ्यूचर यू विल विजिट सर्टेन प्लेसेस जो काफ़ी ज़्यादा, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल, इट्स अ वेरी मिस्टीरियस प्लेस। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप बर्मुडा ट्रायंगल आप जाओगे, बट कुछ ऐसी आइलैंड पे आप जाने का है वो आपको, जो थोड़ा सा रहस्यमय होगा। मे बी आई ऑलरेडी विजिटेड, और आप अभी भी उस आइलैंड के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एस लेटर इज इम्पॉर्टेंट। आई कैन सी लॉट्स ऑफ बेबी क्रेडल, मतलब बच्चे के सोने का पलंग जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है, बेबी कॉट लाइक। हो सकता है कि एक घर में नया बच्चा आने वाले है ऑफकोर्स, एंड हो सकता है कि आपके घर में भी बहुत सारे ओकेशंस आने वाले हैं बैक टू बैक, तो हो सकता है कि बहुत बच्चे भी आएंगे, उसके लिए ऑलरेडी अपने बच्चे का जो पलंग है आपने ऑलरेडी खरीद लिया है, या आपको चाहिए होगा। मे बी हो सकता है कि आप कोई डे केयर सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको चाहिए होगा। इट्स लाइक द प्री नर्सरी, प्री किंडरगार्टन स्कूल मे बी यू आर गोइंग टू ओपन। शायद आपको लगे नहीं नौकरी करने से ज़्यादा इट्स बेटर टू डू सर्टेन काइंड ऑफ बिजनेस, भले ही ये शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब
बहुत बड़ा मतलब लार्ज स्केल में नहीं कर रहे हो आप इनिशियली, बट आप धीरे धीरे उसको मतलब ऑटोमेटिकली आप उसको बड़ा करोगे। आपने ये ठान लिया है कि नहीं मुझे नौकरी नहीं करना, ठीक है, किसी के अंडर में नहीं काम करना है बेसिकली। इसलिए मैं आपको बता रही थी कोई प्रॉपर्टी राइट्स हो सकता है, कोई ज़मीन जायदाद की राइट्स आपके पास आ सकता है, उसके बाद ही शायद आप डिसीशन लेंगे। या आपके पार्टनर यहाँ पे 71 17 कैन बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क इज देयर। कुछ क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए होगा, कोई ऐसे आपको मिलेंगे ज़रूर जो आपके सारे आंसर्स, ठीक है, आपको उनसे मिल जाएगा। कोई आचार्य हो सकता है, कोई गुरुजी हो सकते हैं, आप उनसे शायद पूछेंगे। पर्सनल क्वेश्चन शायद पूछेंगे आप, कुछ सीक्रेट इश्यूज के बारे में शायद डॉक्टर के साथ आपके बात भी होगा। आई डू फाइंड लाइक अ पॉइंटेड फिंगर, लाइक हो सकता है कि आपके ऊपर कोई एक्यूजेशन दे रहा है फैमिली में से कि आप ही जिम्मेदार थे इसलिए ऐसा ऐसा हुआ, बट आप भी उसके लिए आप स्टैंड ले रहे हो आने वाले समय में, आप चुप नहीं बैठेंगे। और ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कपल विद अ मारमेड। आप देखो ये मारमेड है और ये यहाँ पे है, मारमेड और मैन, मारमेड और वुमेन जो भी है इनके बीच में जो संबंध है दैट इज द वाटर एंड मे बी द अर्थ। इसका मीनिंग यही है, चाहे आपके पर्सन या आप दोनों अलग अलग परिवार से है, अलग अलग कम्युनिटी से है, धर्म अलग है, कास्ट अलग है, मेंटालिटी अलग है, प्रोफाइल अलग है, तभी भी एक साथ एडजस्ट करके आप लोग रह सकेंगे, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से था, यहाँ पे देखो अगर हम इस चीज को देखें तो यहाँ पे मुझे कुछ फ्रॉग प्लस यहाँ पे एलिफेंट दिखाई दे रहा है। सो फ्रॉग एंड एलिफेंट कॉम्बिनेशन, एलिफेंट के सामने फ्रॉग भले ही बहुत छोटा है बट जितना फास्ट एक फ्रॉग उछल कूद कर सकता है उतना फास्ट एलिफेंट नहीं कर सकते। मतलब कुछ स्ट्रेंथ आपके पास जो है वो आपके कंपटीटर्स के पास नहीं है, और जो आपके पास है नहीं है वो उनके पास है। तो आप किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, सो यू हैव टू टैकल योर कंपटीटर्स, ठीक है, आपको टैकल करना पड़ेगा और आप कर भी लेंगे। 11-11 इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। कितना सुंदर ना गणेश जी की, जैसे यहाँ पे एलिफेंट फेस आ रहा है, फ्रॉग आ रहा है, यहाँ पे कपल है, बहुत खूबसूरत सा मुझे एनर्जीज यहाँ पे दिख रहा है। आई डू फाइंड लाइक दैट। धीरे धीरे जैसे सब कुछ मर्ज हो रहा है एक साथ, ठीक है, मर्ज कोलैबोरेशन से सब कुछ जैसे पहले जैसा नॉर्मल होना शुरू कर देगा आपकी जिंदगी में, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस रीडिंग को, अवश्य आप लोग क्लेम करें, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकंड प्लीज। सो लेट मी सी व्हाट्स द मैसेज फॉर यू। आई विल टेक आउट वन कार्ड ओनली, वन कार्ड। देखो दिस इज लाइक द मैजिशियन कार्ड, कि आपके हाथ में सब कुछ है अभी, ठीक है। नाउ इट्स योर डिसीशन कि आप आगे की तरफ जाना चाहेंगे या पीछे की तरफ जाना चाहेंगे। आपके हाथों में जादू है, आपकी बातों में जादू है, सो यू हैव द मैजिकल एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग इनटू रियलिटी। जो आपके सपने हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स है, उसको आप सोल्यूशन खुद ही दे सकते हैं, बिकॉज यू आर लाइक द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यहाँ पे भले ही रेस्ट्रिक्शंस है बट आज़ादी भी है। इस गेट को खोल के आप बाहर जा सकते हैं या इस गेट के अंदर आप बंद जगह पे रह सकते हैं। दैट इज योर डिसीशन, डिसीशन आपका होगा। यहाँ पे ये जो लड़की है ये आग बंद करके यहाँ पे खड़ी है, और इसने जो चादर या साड़ी जो भी है इसने
पहन के रखा है, नहीं इसने इसको जस्ट कवर अप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो इफ़ यू थिंक दैट आपके सामने आ जाने से आपको, आपकी सोसाइटी, आपकी समाज आपकी विरुद्ध जा सकते हैं, सो वो आपके ऊपर होगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे प्रोफेशनली और भी ज़्यादा मच्योर होने हैं, ऑफिस में बहुत सारे ऑपोजिशंस है बट मुझे डील करने हैं, तो आप करोगे, बिकॉज मैजिशियन यहाँ पे बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस है आपके, जो ऑफ कोर्स रियलिटी में तभी बनेंगे जब आप खुद ही आगे आ रहे हो। दैट इज़ अ मैसेज फॉर यू गाइस। आई डू फील दैट यू हैव अंडरस्टूड इट, आपने अच्छे से समझा है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज टू बी रिमाइंडेड। एंड गेट्स लॉक है देखो, बट यहाँ पे इस गेट को क्रॉस करके आप जा सकते हैं, चाबी आप ही के पास होगा, या आप ओवरटेक कर सकते हैं, यहाँ पे जंप मार सकते हैं आप, आपको चोट नहीं पहुंचेगा बिकॉज द हाइट इज वेरी लो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड क्लेम दिस रीडिंग स्ट्रांगली बाय 1717। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड टिल देन कीप वॉचिंग।